दिया। ये सरकार का चरित्र है, बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज हैव योर से। नो सर, सर सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ओल्डेस्ट। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज चेक, मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज प्लीज। ये ईडी फर्स्ट फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 20,000 करोड़ टेक योर सीट। ऑन टू योर पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। आज फिर से जोरदार हंगामा, वहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। पीएम मोदी के बीच घबराहट देखा जाए, उच्च स्तरीय हाई लेवल की मीटिंग बुलाएं, किस तरह से घबराहट है प्रधानमंत्री के अंदर बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी मिशन दूसरे के लिए तैयार हो चुके हैं, 24 मिशन बना चुके हैं, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का कब से आगाज हो रहा है बताएंगे इसके बारे में। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही, संसद की कार्यवाही में फिर से हंगामा हुआ, इस बीच देखा जाए संसद को स्थगित करना पड़ा, क्या इसकी बड़ी वजह, इसके बारे में बताएंगे। वही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है, बताएंगे हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को। सारी खबरें जानने वाले हैं, अंत तक विस्तार से बने रहिएगा। वहीं देखा जाए संजय सिंह का भी बयान निकल के आ रहा है, उनका कहना है हमारा अपमान करिए पर देश का अपमान नहीं सहेगा भारत, सारी खबरें बताएंगे। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है लंबिक मानों को लेकर, अब किसान जल्द करने वाले हैं पूरे देश भर के 30 बड़े जिलों में विरोध प्रदर्शन, बताएंगे सारी खबरें क्या करके विस्तार से। केरला से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया के फटाफट बड़ी बड़ी पढ़ेंगे। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, फिर से विपक्ष पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। देखा जाए विपक्ष अब देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, पीएम मोदी की हालत खराब हो चुकी है, बयान पर अड़ा पूरा विपक्ष, और अब पीएम मोदी के पास बोलने को कुछ नहीं बचा है। जहां एक तरफ चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे, वहीं आज कुछ बोल भी नहीं सक पाते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच यह समझ आ रहा है कि अब मानसून सत्र चलने ही वाला नहीं है। इसकी वजह केवल और केवल भाजपा की कूटनीतिक राजनीति है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो मुद्दे हैं उस पर वो बात नहीं करना चाह रही है, फिजूल की बातें करते हैं। कल जिस तरह से आपने देखा था, अगर मणिपुर का मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, ये गठबंधन की बात करने लगे कि ईस्ट इंडिया में भी इंडिया है लेकिन वो भारत के लिए विरोधी रहा था, और इसीलिए ये जो इंडिया गठबंधन हुआ इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मेन बात है मणिपुर के मुद्दे पर, उस पर किसी भी तरह से बात करने को ये तैयार नहीं है। वैसे आज देश भर में देखा जाए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसका फायदा कोई उठाए ना उठाए, लेकिन खास तौर पर विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। कारगिल युद्ध के विजय दिवस को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा किया, उन्होंने कहा कि कारगिल जैसी जब विजय हमने पा ली है तो अब ये विजय ज्यादा दूर नहीं है, जब मणिपुर में हम शांति लाएंगे और केंद्र से बीजेपी को हटा देंगे। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी लेकर पहुंच चुका है गठबंधन, लोकसभा में पेश कर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय भी दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, राहुल का एक तरफ देखा जाए जहां राहुल को संसद से भले ही निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर दोनों तरफ से पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखा जाए राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का आगाज करने जा रहे हैं, और यह आगाज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पूरी तरह से कारगर साबित होने वाली है। मिशन 24 में लग चुके हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयार, पहला फोकस होने वाला है पार्ट 2 का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों है यह भी आपको वीडियो में बताने वाले हैं, साथ बने रहिएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, देखा जाए विपक्षी दल के मोर्चा संभालने वाले राहुल गांधी के बल पर इस बार पूरा चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा, भले उन्हें निष्कासित कर दिया जाए, सदस्यता छीन ली जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी अपना काम करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले, 3 तारीख इसमें फाइनल की गई है जिस पर मुहर लगाया गया है कब से यह सब शुरू होने रहा है। यूपी में देखा जाए तो 24 से ज्यादा लोकसभा सीटें साधने की कोशिश करेंगे, और साथ ही उसमें खास तौर पर अखिलेश का भी अहम रोल होने वाला है। और देखा जाए जो ये दूसरा भारत जोड़ो यात्रा होने वाला है, इसमें खास तौर पर अखिलेश यादव का ये रोल होने वाला है कि इनके संरक्षण में सारी यात्राएं की जाएंगी। आपको 3 तारीख बता रहे थे, इसमें सबसे बड़ी तारीख मानी जा रही है 15 अगस्त से शुरुआत की जा सकती है, 12 सितंबर से, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए 29 सितंबर से पार्ट 2
पार्ट टू देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय दीजिएगा, क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई खास वर्चस्व देखने को मिलेगा? जिस तरह से लगातार ग्राउंड लेवल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वही चलते एक बड़ी खबर जहां कही, जहां पर संसद में हंगामा हो रहा था, आपको पहली खबर बताया, लेकिन इस बीच खबर निकल के आई, बड़ी खबर है। आपको पता है संसद को स्थगित करना पड़ गया, बड़ा हंगामा हुआ, लोकसभा पूरी तरह से स्थगित, बड़ी खबर है। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकसभा उपाध्यक्ष गौरव गोगोई ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, बड़ी खबर है। इस पर जमकर हंगामा हो गया, विपक्ष ने जमकर सवाल पूछा, इन सब के बीच अब कोई भी चीज नहीं बची। जब देखा जाए केंद्र सरकार के पास जवाब देने को पूरी तरह से आपके सामने वो अविश्वास प्रस्ताव का लेटर है, जिसमें साफ तौर पर तारीख लिखी है 26/7/2023, नामा नागेश्वर राव द्वारा यह दिया जा रहा है। आपको बता दें चले टू सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और पार्लियामेंट हाउस दिल्ली को दे दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव है, जिसके बाद हंगामा हुआ, लोकसभा को पूरी तरह से स्थगित करना पड़ा। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? आज की सबसे बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, सारी दलीलें आपके सामने रखने वाले हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की, वीडियो में बने रहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक साल से लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं दोनों समुदाय, देखा जाए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच वकील कोर्ट में मौजूद हो चुके हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस मामले पर सुनवाई करने जा रहे हैं। मंगलवार को देखा जाए मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को कहा था कि अगर हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे में जो कुछ भी निकल के आ रहा है, अगर इमारत नहीं निकली तो पूरी तरह से यह खत्म कर दिया जाएगा मामला। वही दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिवलिंग रहती है तो मामला आगे चलने वाला है, आगे और भी जांच होगी। और दलीलें क्या रही हैं, देखा जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें हैं, जरा सुनिएगा। 1669 में मंदिर किसी तानाशाह के आदेश पे नहीं तोड़ा गया। और दूसरी दलील है ज्ञानवापी मस्जिद 1000 साल से ज्यादा समय से मौजूद है, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग नहीं पाई गई, फव्वारा रहा था। ये सब कुछ मुस्लिम की दलीलें रही हैं, जिला जज द्वारा ASI सर्वे का भी आदेश गैर कानूनी बताया रहा। वही दूसरी तरफ आप सुनिए जरा क्या कहना है हिंदू पक्ष का, वो भी आप जरा समझ लीजिए। आपको पता चले उनका कहना है कि यहां पर खास तौर पर मुस्लिम तानाशाह द्वारा लगभग 1600 ईस्वी के बीच में इसे तोड़ दिया गया था, यहाँ एक मंदिर रहती थी, उसी का एक खंड है जो फव्वारे के रूप में दिख रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष बता रहा है, बल्कि वह फव्वारा नहीं, ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष की सुनवाई को पूरी तरह से नकार रहे हैं। और देखा जाए CGI सेशन में यह भी कहा गया है कि ICIC के सर्वे की मांग की गई है, यानी ये भी रिपोर्ट रहने वाली है, आज पूरी तरह से ये शाम तक पता चल जाएगा कि इसमें दलीलों का क्या हवाला निकल रहा है और कौन किसके पक्ष में ये मामला गया है, बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले संजय को पूरी तरह से मानसून सत्र से निलंबित कर दिया जाता है, इसके बाद संजय का बयान निकल के आ रहा है, उनका कहना है हमारा अपमान करिए लेकिन देश का अपमान नहीं सहेगा भारत, बड़ी खबर है। मणिपुर हिंसा मामले में लेकर संसद से पूरी सड़क तक लगातार हंगामा जारी है और इसका काफी प्रभाव आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधा है पूरा केंद्र और पूरी भाजपाई समुदाय, देखा जाए जहां एक तरफ इंडिया जो गठबंधन कर चुकी है वो लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कोई भी सरकार से जनता के मुद्दे पर बात कर रहा है संसद में, उसे निलंबित कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। संजय ने यही कहा, मैंने केवल और केवल जनता की बातों को, जनता के परेशानियों को संसद में रखा, इसलिए हमें निलंबित कर दिया गया है। ये कोई एक लोकतंत्र और संवैधानिक रूप की प्रक्रिया नहीं रही है। क्या हम जवाब सवाब नहीं कर सकते? अगर जवाब सवाब नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में लोकतंत्र कहाँ है? और बात ये भी निकल के आ रही है लगातार BJP ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से लगातार इधर उधर की बातें करते हैं और वो देश विदेश की बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लेकिन अपने घर को नहीं देख रहे हैं जिस तरह से जल रहा है। ये तमाम बात संजय ने कही है। संजय ने कहा हमें विदेशों से कोई मतलब नहीं है लेकिन भारत का अपमान नहीं सहने वाले हैं। ये तमाम बातें संजय ने रखी है। वैसे आपकी क्या राय, जिस तरह से संजय सिंह को निलंबित किया गया इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी खबर है लंबिक मांगों को लेकर, अब 16 नवंबर को देश भर के 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसान, MSP को लेकर भी जमकर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हन्ना मोहल्लम ने सोमवार को कहा कि लंबिक मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान तैयार हैं। देखा जाए लंबिक मांगों को लेकर प्रदर्शन 26, 28 और 30 नवंबर के बीच होने वाला है और देखा जाए इस बीच 30 बड़े शहरों में ये प्रदर्शन होने जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों को लेकर आपकी क्या राय, जिस तरह से लगातार MSP और खासकर ऋण माफी को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिए।
होएगा। वहीं देखा जाए केरला से एक बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर केरला के ओम चांडी जैसे लोगों की जरूरत है भारत को ये बात रखी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरला के मलमपुरम में पार्टी द्वारा आयोजित एक शोक सभा में दिग्गज नेता और दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओम चांडी की श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते थे, अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था और कहा गया था कि अब जरूरत है ओम चांडी जैसे आदमियों की केरला में। वैसे आपकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। जिस तरह से लगातार संसद को स्थगित किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी अपनी राय बताइएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।